नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू हुए हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में आगामी 19 अप्रैल को होने जा रही लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर की गई तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी शेयर की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार राज्य में पोस्टल वोटिंग बहुत ही अच्छा हुआ है। राज्य के सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी इसका प्रक्रिया में चढ़बढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही पोर्टल और अन्य माध्यमों से आ रही तमाम शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से किया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के थानों की सुरक्षा में लगे पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को भी मतदान ड्यूटी पर भत्ता मिलेगा। बता देता हूँ, इस बार हमने होमगार्ड और पीआरडी, उसमें क्या था, होमगार्ड और पीआरडी जो पोलिंग बूथ में जो ड्यूटी लगती है उनको हमेशा चुनाव के माना गया है, इलेक्शन ड्यूटी में माना गया है, उनको वो पता मिलता है। जब ये लोग चुनाव ड्यूटी में जाता है हमारे थानों में खाली हो जाता है, तो ये लोग फील्ड से मतलब जो जहां जहां पर भी है उनको थानों में तैनाती दिया जाता है। जो थाना में तैनात जो होमगार्ड और पीआरडी है उनको इलेक्शन के अलाउंस नहीं मिलता था, इस बार हमने वो भी किया है। जो थाने में काम करेगा, जो बाकी जब पार्टी अब बूथ पे चले जाएंगे जो थाने में काम करेगा उसको भी हमने ऑन इलेक्शन ड्यूटी मान के वो भी हमने किया। इससे लगभग 2000-3000 तो होमगार्ड और पीआरडी जवानों को बिल्कुल फायदा होने वाला है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर नजर आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा होने वाला है, गढ़वाल और हरिद्वार में रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही टिहरी में करेंगे जनसभा को संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है, गढ़वाल और हरिद्वार में भी रैली निकालेंगे, टिहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर गढ़वाल और हरिद्वार में रैली करेंगे, उसके बाद टिहरी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बताते चले कि गढ़वाल और हरिद्वार में दौरा होने वाला है, जहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। केंद्रीय जहाज राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र में अजय भट्ट के लिए प्रचार किया है और 400 सीट लेकर बीजेपी सरकार बनाएंगे। केंद्र और साथ ही राज्य सरकार दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम मोदी आम जनता का मतदाताओं के लिए बहुत ही सहयोग मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को लगभग 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया, आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हजारों बंगाली समुदाय के लोग जो मथुआ मिशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिसका जितना ऊंचाई होता है उसको उतना ज्यादा हवा लगता है, तो हवा लगने से हम टूटने वाले नहीं है। ये अलकायदा, ये जितने सारे जंगी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ये लोगों का काम यही करना है। हमारा काम समाज सेवा करना, क्योंकि हम पहले भी, मैं राजनीति से पहले भी, मैंने हमारे संगठन धर्मीय संगठन से मैंने हम लोगों ने ये समाज सेवा का काम करते थे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला। हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है और साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनके संबोधन में से जो एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और मोदी जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लोगों ने लिया है। मेरी आदत, कभी मैं कोई गाली भी बताता है तो हंस देता हूं, लेकिन भाई मैं जैसे चुप रह रहा हूं इसे कमजोरी समझ रहे हैं। मुझे लगता है या तो पढ़े लिखे नहीं है, और सांसद बनने के लिए कुछ पढ़ लिख के ज्ञान भी होना चाहिए कैंडिडेट को भी। कोई नियमावली ऐसी आनी चाहिए, मेरा कभी बस चलेगा मैं संसद में रखूंगा ये मैटर को, कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका,
किस तरह से विपक्ष से बात की जाती है, हमारा लड़ाई थोड़ी है कोई। अब सांसद निधि वापस गई, भाई कभी नहीं जाती है सांसद निधि, मेरी नहीं भारत भर में वापस नहीं जाती है। नॉलेज तो बढ़ाओ, 40% खर्च हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते सत्तादल बीजेपी लगातार काम कर रही है और इसे लेकर अंबेडकर जयंती और 17 नवंबर को रामनवमी के अवसर पर बीजेपी विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर गांव और वाल्मीकि समाज के गांव में कार्यक्रम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक कार्यकर्ता कन्या पूजन करेगा और मोदी के साथ हमारे प्रत्याशियों की जीत के लिए कन्याओं से आशीर्वाद भी मांगेंगे। चौदह तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, अम्बेडकर जयंती अम्बेडकर गांव है, अन्य कौन से बहुल गांव है, वाल्मीकि समाज के गांव है, उन गांव में अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम होगा और मोदी जी द्वारा अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व कर जो जो उनका योगदान है उस विषय को हम वहां पर रखेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में करेंगे प्रचार, टिहरी और गढ़वाल लोकसभा में करेंगे प्रचार। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर टिहरी लोकसभा के नौगांव में 2 बजे होगी रैली, गढ़वाल लोकसभा के केदारनाथ में 4 बजे ये रैली होगी। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी है माला राज्य लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी है माला राज लक्ष्मी शाह और साथ ही स्मृति ईरानी लोकसभा में प्रसार करेंगी, गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी है। टिहरी लोकसभा के नौगांव में 2 बजे रैली भी की जाएगी। आपको पता चले कि केदारनाथ में भी 4 बजे होगी और टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की स्मृति ईरानी लोकसभा में, आपको पता चले लोकसभा का चुनाव नजदीक है जिसको लेकर प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। टिहरी लोकसभा के नौगांव में 2 बजे रैली होगी, गढ़वाल से सभा के केदारनाथ में भी 4 बजे होगी और टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी राजलक्ष्मी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की स्मृति ईरानी लोकसभा में प्रचार भी करेंगी। लोकसभा चुनाव अपने चरण पर है और आज इसी पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक, आपको पता चले कि प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में पहुंचकर चुनाव प्रचार को धार देने का काम किया है। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भी प्रियंका गांधी की रामनगर और रुड़की में हुई चुनावी रैली को सफलतापूर्वक रैली बताया है। साथ ही आपको बताते चलें कि दसौनी ने यह भी कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और एक तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी सब पर भारी पड़ी हैं। और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहां आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट देके चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। मुनिग्रेती में पीडब्ल्यूडी तिराहा लगातार डेंजर जोन में बनता जा रहा है। एक के बाद एक बेकाबू ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ रहे हैं, फिर भी श्रीनगर की पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन इन हादसों को रोकने के लिए लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर आपको बताते चले कि ईंट से भरा एक डंपर भद्रकाली से आते हुए बेकाबू हो गया। ब्रेक फेल होने की वजह से डंपर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक आश्रम की दीवार को तोड़ते हुए पलट गया। गनीमत यह रही कि डंपर सवार ड्राइवर और हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ, फायर सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को आग लगने की घटनाओं को काबू करने और आग की घटनाओं को रोकने के लिए जानकारी देकर जागरूक करने के लिए है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में फायर सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को आग लगने की घटनाओं को काबू करने और आग की घटनाओं को रोकने के लिए जानकारी देकर जागरूक करेंगे। आज अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने फायर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया है।
तो बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी उत्तराखंड में पहली बार जनसभा की है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी करीब एक दर्जन जनसभाएं कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस संगठन का दावा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं उत्तराखंड में होंगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति का जो अपमान है वो कर रही है, उनकी एक नेता सोशल मीडिया पर अपमान कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झूठ का पुलिंदा कांग्रेस पार्टी ने जो भी न्याय पत्र जारी किया ये मातृशक्ति एवं देवभूमि का अपमान है। हर मुद्दे पर खेद व्यक्त किया और सुप्रिया सुरेश जी ने खुद ही उसको हटवाया, जो आपत्तिजनक पोस्ट पड़ गई थी उसके लिए क्षमा याचना भी मांगी। ये भाजपा के लोगों को मुद्दा तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या भाजपा के लोगों ने या भाजपा की नेत्री ने कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए भी क्षमा याचना मांगी? वो तो भाजपा के सीधे कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के वर्कर हैं जो इस कांड में लिप्त रहे। कांग्रेस के बड़े नेता मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और इनकी एक बड़ी नेत्री महिला उम्मीदवार पर अभद्र उन्होंने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर, उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उसको इनाम देते हुए उत्तराखंड में पार्टी का झूठ का पुलिंदा न्याय पत्र जिसको इन्होंने कहा है उसको जारी करने के लिए उसको अधिकृत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रामनगर पहुंची हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ मंच पर पार्टी के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं और जनता का इस बार भी आशीर्वाद बीजेपी के पक्ष में मिलने जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीत करा रही है और एनडीए 400 सीटें जीत कराने वाली है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में बिजली पानी जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं में इजाफा हुआ है और आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रहा है और साथ ही दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हर कोने का चौमुखी विकास हो रहा है। ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे रोड पाट दिया। इतना रोड़ों का जाल बिछ गया है तो जिसकी कोई गिनती नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 500 किलोमीटर रोड तो मैंने ही स्वयं, मैं अपनी लोकसभा की बात करता हूं, जोशीमठ का मैं उदाहरण दूं तो एक जब केवल भारतमाला रोड के तहत केवल कोटी से आगे जाकर के नीचे तक रोड जा रही थी, जोशीमठ छोड़ दिया गया था, वहां के लोग 3 महीने धरना दिए और धरने को चलाने वाला हमारा बिल्कुल विचारधारा से हट करके वामपंथी अतुल सती जो उसका संयोजक है, मेरे तो बड़े निकट हैं सारे लोग। और नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेसी, ब्लॉक प्रमुख कांग्रेसी, हमारे भी लोग थे, वो धरना चलाया 3 महीना। लेकिन जब मैं दिल्ली में और कहा कि ये जोशीमठ अलग छूट रहा है तो मुझे, मेरे पास आए तो महेंद्र भजू उसमें विधायक थे, झारखंड का चुनाव लड़ रहा था, मैंने कहा भाई आ जाओ, लेकिन सबको साथ लेके चलना। मैंने कहा ना विकास के मुद्दे पे कहीं राजनीति नहीं, लेकिन मैंने कहा ये ब्लॉक प्रमुख है, नगर पालिका चेयरमैन हमारे नहीं है तो बुलाओ सबको, ऐसे 8 लोगों को बुलाया, गडकरी के साथ बैठक हुई। इन्होंने पहली बार ऐसा देखा हुआ कैसे बैठक होती, नहीं तो ज्ञापन देके आते थे, फोटो खिंचाली मंत्री के सामने चले आते थे, ये देखते थे, ये होता था ना आदमी। 1 घंटे का डिस्कशन पूरी तरह सचिव वहां केंद्रीय आपका
बीआरओ का डायरेक्टर वहां, अन्य सारे लोग, नेशनल एनएच का पूरा सेक्रेटरी वहां बैठा हुआ, और इन नौ लोगों के सामने जब बैठक हुई डीपीआर हाथों हाथ भी, जब मैंने समझाया कि केवल बॉर्डर नीचे नहीं माना नहीं, बॉर्डर नीति की तरफ भी है, वहां हमको जोशीमठ होके जाना पड़ता है आपका, ये सारे हैं, तो कुल मिलाकर फिर एकदम डिसीजन लिया और 268 करोड़ का पैकेज। और बाहर जब निकले तो बीआरओ का डीजीपी बोलने लग गया, सेक्रेटरी साहब पहली बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं, मीटिंग में अगर आपके रहे तो ये डिसीजन ये हुआ। और वो सारे जो मैंने कहा कॉमरेड संयोजक जो नगर पालक में जब जोशीमठ ने कहा 30 साल से लगे थे, आज पूरा हुआ, हमारी पहले कार्यक्रम में ही आ गए और हमारा स्वागत है, अगली बार बोला हम स्वयं अलग स्वागत करना, यानी कॉम्रेड जो आपका अतुल सती घूमता आप देखते हैं वो स्वयं मेरे स्वागत का संयोजक बन गया। ये विकास, यानी राजनीति को छोड़ करके विकास का इशू को मैंने एक उदाहरण दिया आपको, इस छोड़ा तीन दिन में ही अभी पहले में जारी हो रहा जैसे खत्म हुआ, उसके बाद चुनाव के और हम आगे आने लगे, मैं बैठा गड़की जी देवप्रयाग का पूरा टर्न आप लोगों ने देखा तो जाते हैं ऐसा पूरा मोड़ा हुआ, मैंने कहा भाई साहब सीधा करना, उसी समय सचिव आ गया उत्तराखंड को जो देखता था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया और तुरंत कहा, जब मैं लौट रहा था तो देखा, मैंने कहा आज तो मेरी बात हुई, चार दिन में वहां जेसीबी लग गया, ये काम है भाजपा का। मैंने कहा वो जमाना लग गया कि ज्ञापन दे दिया और फोटो खिंचा लिया चले आए और जनता को गुमराह कर दिया, हमने कहा बोला कर दिया साहब दे दिया साहब, लगे रहते थे बरसों तक यही सब चलता था, आज काम सामने दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम कोविड में निकटता से देखा है, उस समय में रहा तो पूरा देखा तो क्या हालत थी, लोग घरों के अंदर कैद थे, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, बाजार बंद थे, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, मेरे पास रात रात को फोन आते थे कहां जाएंगे, डिप्रेशन में आ गए, 15 दिन का राशन खत्म हो गया, बगल पड़ोसी के यहां भी नहीं रहा, बाजार बंद है, क्या करेंगे, हमको लेके जाओ, मैंने कहा जंगल में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन रहना पड़ेगा, छोड़ दीजिए बोला जंगल में, लेके जाओ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन लगाई, बसें लगाई, प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम किया, इतना नहीं किया तो घर घर राशन पहुंचाने का भी काम किया, राशन देने का भी काम किया, आज भी जो जारी है। अभी मैं कुछ लोकसभाओं की विधानसभाओं में घूमकर आया है, मेरा जाना हुआ है, और इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते जो जो भी जहां जहां जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज पांचों सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में भारी बहुमतों से जनता जिताने वाली है, देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का एक लक्ष्य हम सब लोगों को दिया है, एनडीए 400 पर, भारतीय जनता पार्टी 370, ये जमीन में हकीकत वास्तव में दिखता है। जब जाते हैं तो आम लोगों के जुबान से, मन से निकल के आता है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, इस देश को परम वैभव की ओर, और यही नहीं तो आने वाला विकसित भारत 2047 केवल यहां ही नहीं तो आगे का सोच लक्ष्य विकसित भारत ये हम बनाने जा रहे हैं। और 2047 में दिखेगा कि जिस प्रकार भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत पूरे विश्व की चिंता करने वाला देश और ज्ञान बांटने वाला पूरे विश्व को, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहां खड़ा हुआ करते थे, वहां लोग रिसर्च करते थे, विश्व के अन्य रिसर्च स्कॉलर वहां आया करते थे, तो मुगल काल में कुछ ध्वस्त हुए लेकिन आज फिर वह खड़े हुए हैं,
और उस ओर हम बढ़ेंगे तो हम केवल केवल भारत की चिंता करने वाले ही नहीं कि भारत पूरे विश्व की चिंता करने वाला भारत बनेगा, वसुधैव कुटुंबकम है, इस प्रकार का विकसित भारत यह हम चल पड़े हैं। इस ओर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन और जो लक्ष्य जो मैंने कहा काम करने का, वो सब दिखता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, आम जन के को विश्वास में लेते हुए सबका प्रयास से आज सब घरों में उजाला हो, सब विकास से जुड़े हैं, यह चिंता मोदी जी करते हैं। और उसके कारण आप देखा होगा, मैं पहाड़ की बात करूं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ सकती है। कभी अंग्रेजों ने दार्जिलिंग और शिमला में ट्रेन पहुंचाई थी, ये अंग्रेजों ने, लेकिन आजाद भारत में यदि पहली बार ट्रेन का चढ़ना तो मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी के राज में। और मुझे लगता है कि वो 26-27 तक पूरी तरह तैयार होकर के हमारे सामने दिखेगा। तो रिस्के से लेकर के आपका कर्णप्रयाग तक आने वाले समय में जोशीमठ तक भी सर्वे उसका फिर बाद में होगा, हुआ है सोनप्रयाग तक, चारों धामों को जोड़ने वाला विकास नगर से होते हुए तो आपका गंगोत्री यमुनोत्री भी जुड़ेगा, ऐसे चारों धामों की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन वर्तमान में कर्णप्रयाग तक ट्रेन का पहुंचना 125 किलोमीटर, जिसकी दूरी 105 किलोमीटर टनल के अंदर से गुजरते हुए जाना, क्योंकि मैंने तो वहां का निरीक्षण किया, मेरे स्वयं के क्षेत्र में जहां से शुरू होती है और जहां इंड होता है वो मेरी लोकसभा, तो मैंने बड़ा निकटता से देखा। तो लोग पर्यटक के रूप में भी जाएंगे तो देखेंगे इतना देश के किसी स्टेट में नहीं है, इतनी नीचे सुरंग से ट्रेन का निकलना, डबल लाइन होना, तो कभी न जाए वैसे भी तो वैसे भी घूमते हुए जाएंगे तो देखेंगे कि क्या ये आज सपना, मैंने कहा ना कि कभी सोचा नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार के बहुत सारे ये काम किए। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा करके वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर के लिबरहेड़ी में पहुंची बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने, आपको बताते चलें कि बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया, बसपा अकेले अपने दम पर लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही। हालांकि बसपा का स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा, लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद में भी बसपा सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आई। समाज सेवी और द हंस फाउंडेशन की संचालिका माता मंगला में शनिवार को कोटद्वार भाबर से, आपको बताते चले कि भाबर के लक्ष्मपुर में यूनिकस एकेडमी का उद्घाटन किया गया, और इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित समाज ही ननिहालों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक शैलेन्द्र सिंह रावत और आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जहाँ तक हमें विश्वास है कि जैसे भी शिक्षा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है तो क्रांति तो स्वयं की स्वयं ही आ जाती है जब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और हर बच्चे का भविष्य बनाने में खुशी होती है कि आज शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कुछ दिनों के बाद में वो समझ पाएंगे कि शिक्षा कितनी अनमोल है उनके लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।